पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, होश हवास में आकर रहने का काम कर, अन्य तू एक मुट्ठी भर है, तुझे मात्र एक केला मैं ही बतेरा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, अगर मुस्लिम का सबसे बड़ा विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। पाकिस्तान तू होश में आ जा, अन्य बाबा के बुल्डोजर से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी, इंशाल्लाह मुझे विश्वास है मोदी जी चुप थे शपथ के लिए, मोदी जी चुप नहीं, मोदी जी बदला लेंगे, घर में घुस के मारने का काम करेंगे। ये तो 70 साल से इन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म करते आए, 70 साल से हिंदुओं के साथ अत्याचार करते आए, 70 साल से मंदिरों का विकास नहीं कर पाए, मंदिरों के अंदर से जाले नहीं हटा पाए, राम मंदिर नहीं बना पाए। अगर 70 साल में अत्याचार हुआ, क्या जुल्म हुआ, तो भारत के हिंदुओं पे हुआ, भारत के मुसलमान पे नहीं हुआ। जितने में पाकिस्तान बसा हुआ है ना, इतने में मेरी रेलवे की जगह खाली पड़ी है। मोदी जी कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, और भारत का हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिला कर रहो। लेकिन मैं पाकिस्तान को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तू होश में आ जा, अन्य बाबा के बुल्डोजर से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी, इंशाल्लाह मुझे विश्वास है मोदी जी चुप थे शपथ के लिए, मोदी जी चुप नहीं, मोदी जी बदला लेंगे, घर में घुस के मारने का काम करेंगे, और घर में से काट कर मारने का काम करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भारत के हिंदू पर कोई आ चाहती है, क्या भारत के मुसलमान पर कोई आ चाहती है, वो हम मिलकर बदला लेने का काम करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को एक मिनट में मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जितने में पाकिस्तान बसा हुआ है ना, इतने में मेरी रेलवे की जगह खाली पड़ी है। अच्छा। मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, होश हवास में आकर रहने का काम कर, अन्य तू एक मुट्ठी भर है, तुझे मात्र एक केला मैं ही बतेरा हूँ, बुलडोजर के बाबा से मिट्टी में मिला दे जाएगा। मोदी जी का 56 इंच का सीन है, कैसे आतंकवादी घुस गए? क्या चीज, आतंकवादी अंदर कैसे घुस गए? ये कांग्रेस की शुरू से चाल रही है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेने में बिजी रहे, सारे मंत्री बिजी रहे। हाँ। और सारे पार्टी के कार्यकर्ता बिजी रहे। हाँ। लेकिन पप्पू ने इसका मौका उठाया। पप्पू ने देखा, कहने लगे हिंदू तो यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ। हिंदू भारत का खुश कैसे है? दुश्मनी हिंदुओं से, ये तो 70 साल से इन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म करते आए। अच्छा। 70 साल से हिंदुओं के साथ अत्याचार करते आए। 70 साल से मंदिरों का विकास नहीं कर पाए, मंदिरों के अंदर से जाले नहीं हटा पाए, राम मंदिर नहीं बना पाए। अगर 70 साल में अत्याचार हुआ, क्या जुल्म हुआ, तो भारत के हिंदुओं पे हुआ, भारत के मुसलमान पे नहीं हुआ। क्योंकि पप्पू की शुरू से सोच रही है, और पप्पू के उसमें लिखा है मैनिफेस्टो में, अगर हमारी सरकार सत्ता में आ गई तो बाबरी में इसे क्या नाम, राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। मैं पप्पू को एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे खुदा नहीं कह रहा तुम राम मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाकर इबादत करो, क्योंकि मेरा खुदा भी राजी नहीं होएगा। अगर वहाँ एक राम मंदिर बनेगा, वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, किसी आस्था को ठेस पहुँचाना, किसी की आस्था से खिलवाड़ करना, वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी भी तो आरोप लगाए जाते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ है, विपक्ष ऐसा कहता है। देखिए पत्रकार साहब महोदय, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, अगर मुस्लिम का सबसे बड़ा विरोधी है तो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा मुस्लिम डॉक्टर बने, बीटेक करे, इंजीनियर करे, मुस्लिम क्या नाम जज बने। भारत कांग्रेस ने 70 साल से मुस्लिम के साथ जुल्म किया है, और मुस्लिम को शिक्षा से दूर रखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमें शिक्षा दी है, भारत के मुसलमान के अंदर जागरूकता ही है, वो जागा है, प्रेम मोहब्बत भाईचारा आया है, आज भारत का हिंदू मुस्लिम एकता ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कायम पैदा हुई है, जो आज हिंदू मुस्लिम एकता। मोदी जी ने नफरत फैलाई है? मोदी जी ने नफरत नहीं फैलाई, मोदी जी कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, और भारत का हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिला कर रहो। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव किया है 70 साल से हिंदू मुस्लिम किसने किया है, वो कांग्रेस ने किया है, ये भारत के 100 करोड़ जनता जान चुकी है। 70 साल से हमें किसने बहकाने का काम किया है, कभी हिंदुओं को मरवा, कभी मुसलमान को मरवा, ये टेंडर किसके पास था, ये पप्पू के पास टेंडर था, इसका मंत्रालय किसके पास था, वो पप्पू के पास था, कभी हिंदुओं को मरवाने का। तो अभी अभी राजनीति में आए ना, वो तो कभी इतने बड़े पद पे रहे भी नहीं है कि वो ऐसे काम करवा। अरे जिसके दादा दादी प्रधानमंत्री रहे हो, उससे बड़ा पद क्या होगा, उसके दादा रहे, उसके दादी रहे।